खबर सिरौन से अतिक्रमण की चपेट में मरगढ़ शाला का रास्ता। कई बार जनपद सीईओ से अनुविभागीय अधिकारी को कर चुके शिकायत। बारिश के समय कीचड़ में लेकर निकलना पड़ता है शव यात्रा को। सिरौन तहसील के ग्राम पंचायत सीमलखेड़ी के ग्राम भोजपुर के शमशान घाट जाने वाले लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, जिससे शमशान घाट अर्थी ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। बरसात के समय कीचड़ से गुजरना पड़ता। कई बार रोड को सुधारने को लेकर सरपंच और पंचायत सचिव जनपद सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत कर चुके, मगर आज तक ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान आकर्षित होता, ना ही शासकीय कर्मचारी को ध्यान दिया जाता। प्रहलाद जाटव द्वारा बताया गया कि बरसात के टाइम पर यहां पर घुटने घुटने तक कीचड़ हो जाती है। मरगढ़शाला में पानी की सुविधा नहीं, अंत्येष्टि के बाद नहाने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसके लिए कई बार सरपंच श्रीमती गुड्डीबाई से भी कहां का रास्ता सही कर दो, मगर आज वो सिर्फ झूठी तसल्ली दी जाती है। पंचायत सचिव तो आते ही नहीं, रोजगार सहायक सचिव संदीप शर्मा ही पंचायत में आते हैं और वो किसी की सुनते नहीं हैं। हमारी समस्या पहले बार तो रोड की है, रास्ता नहीं निकलने के लिए। दूसरी हैंडपंप नहीं है ना, पानी की प्रॉब्लम ज्यादा है। चबूतरा भी नहीं है वो तार लेने के लिए। आपने भी देखा रास्ता कितनी खराब है। कई बार हमने सरपंच से कट नहीं बोला, कोई सुनते नहीं। अरे हर बार साल में 10 बार बोलते हैं उनसे। तो विधायक साहब से बोल चुका हूँ मैं, उमाकांत जी से अभी बोला था मैंने, अभी मीटिंग हुई थी रोज में सभागार में। और इसके अलावा है ना, मैंने सेक्रेटरी को बोला है, संदीप शर्मा साहब सेक्रेटरी है, तो सुनता ही नहीं, वो सुनता ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं करता है। और सरपंच साहब हैं सेमलखेड़ी पंचायत के और गुड्डी भाई, उनको बोल दिया वो भी नहीं सुनते हैं। कहते हैं कर दें, करते नहीं अभी तक। बहुत बार कह चुका हूँ। राजेश श्रीवास्तव सेक्रेटरी हैं, उनने भी नहीं सुना। उनको भी मैंने 25 बार कह दिया कम से कम, उनने गांव नहीं देखा, आते ही नहीं है। साथ सेक्रेटरी को बुलाते हैं संदीप शर्मा को, लेकिन वो आते ही नहीं है। वो भी नहीं आता, अभी सेक्रेटरी तो आते ही नहीं है। साथ सेक्रेटरी को बुलाते हैं संदीप शर्मा को, वो सुनते नहीं है। अब बताइए साहब, कोई भी योजना के बारे में जानकारी देने नहीं आते हैं। संदीप शर्मा आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं सही सोच। फोन लगा दो, शर्मागिरी बताते हैं। क्योंकि जो सोचते हैं ये गांव है ना चमारों का है, जाटव समाज है, नीच समाज के, इसलिए वो बात नहीं करते तुख से। फोन ही नहीं उठा। फोन नाम क्या है? प्रहलाद जाटव। कौन सा पंचायत है? सेमलखेड़ी पंचायत। सरपंच का नाम क्या है? गुड्डी भाई। सचिव का? सचिव संदीप शर्मा। सहायक है संदीप सहायक है। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत सारी है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे घुटना कीचड़ हो जाती है, हमको बिल्कुल निकलते नहीं बनता, घंटों इंतजार करना पड़ता है, एक घंटे में तो यहाँ तक आना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे नल की भी बहुत समस्या है, पानी की। गर्मियों में नहाने के लिए मतलब लकड़ी लेने के बाद पानी की समस्या होती है, पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, कई कोसों तक पानी नहीं मिलता। यहाँ पे नलों पे जाते हैं, नलों पे कितनी पब्लिक, देखो आप कितनी पब्लिक कैसे नहाएगी। रोड बन जाए बस, और रोड की तो है बहुत बड़ी समस्या है। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? सिर्फ कलेक्टर जो जनपद साहब है और सरपंच साहब से और सेक्रेटरी, बस इनसे ही करिए। और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बोल दिए उन लोगों से। अरे और भी आते हैं वो लोग, लेकिन कई बार नहीं करते। खबर भारतवर्ष के लिए सिरौंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।